परखुरी में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया कजलियों का त्योहार। रमाशंकर प्रयासी रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष कन्याओं को भोजन करा कर लिया आशीर्वाद। रामपुर बघालान परखुरी गांव में आपसी प्रेम और भाईचारे के प्रतीक कजलियों के पर्व पर पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान शिव मंदिर कीर्तन भंडार का आयोजन रखा। तालाब में परंपरागत रूप से कजलियों की टोकरी और मिट्टी को विसर्जन कर धूमधाम से डांस किया। बता दें, रक्षाबंधन के दूसरे दिन कजलिया मनाने का पुरानी परंपरा है जो आज भी जीवंत है। त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाया जाता है। सभी जात धर्म के लोग एक दूसरे को कजलियों की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया। इस बीच ग्राम परखुरी में रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाने वाला त्यौहार का कजलियों का बड़े धूमधाम से मनाया। यह पर्व एक दूसरे से मिलने वाला त्यौहार है। इस दिन लोग अपने से बड़ों को कजलिया देकर पैर छूते आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि अब यह त्यौहार कुछ घरों तक सीमित रह गया। मान्यता है कि गेहूं, जौ और बांस के बर्तनों में खेत में मिट्टी डालकर कजलिया का बीज नागपंचमी के दूसरे दिन ज्यादा घरों में डाला जाता है, जबकि घर की कन्याएं महिलाएं रक्षाबंधन तक जल देते हुए कजलियों का पौधा तैयार करती हैं। उसके बाद रक्षाबंधन के दूसरे दिन घर की कन्याएं दोपहर के समय तैयारी कर शाम को महिलाओं के समूह के साथ सर पर बांस की टोकरी रखकर नदी, तालाब सहित सरोवर में जाती हैं, जहां कजलियों के तनों की जड़ को अलग कर टोकरी को पानी में विसर्जित कर देती हैं। दिखाते हैं पूरी खबर को विस्तार से, लेकिन आपको बता दें, इस त्यौहार को मनाया रमाशंकर प्यासी रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष यज्ञ नारायण कुशवाहा सरपंच, एचयू चंद्र मिश्रा, नागेंद्र द्विवेदी, सुनील तिवारी, निखिल पांडे, नारायण पांडे, राजू शाहू आदि लोग इसमें उपस्थित रहे। सतना जिला से किशन कुमार द्विवेदी, उद्घोष की रिपोर्ट।